हाय देश जो मैंने टुटीजा एट टुटिया टॉक्स देसी मार्टिनी और बात करते हैं इस हफ्ते के रिलीज पागलपंती के बारे में। कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनका सबसे ज्यादा मजा आता है ऑडियंसेस के साथ देखने में, स्पेशली जब आप टारगेट ऑडियंस के साथ बैठे हो। पिछले हफ्ते मरजावा आई थी, अगर वो फिल्म देखनी है तो सिंगल स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो मजा ही कुछ और रहेगा, और ऐसा ही कुछ होता है पागलपंती के साथ। बिकॉज अगर आप इसको शाम को फैमिली ऑडियंसेस के साथ देखें तो देन पता चलता है कि फिल्म में कितना दम है या नहीं है। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फिल्म कि अगर फैमिलीज के साथ देखी जाए तो बात ही कुछ और है। दिस इज वन ऑफ दोस फिल्म्स व्हिच टर्न्स आउट टू बी अ क्लीन एंटरटेनर, शुरू से लेकर एंड तक आपको हंसी आती है ना। आप कह सकते हैं अरे सिली जोक्स हैं, गैग्स हैं, गूफ्स हैं, स्लैपस्टिक है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट देन Isn't that something that was the core expectation from Pagalpanti as well? As a matter of fact, मुझे तो ऐसे लगता है that the makers could have actually promoted it more as a masala film, क्योंकि सिर्फ comedy नहीं है film में, film में actually thrills भी आ जाते हैं towards the last 30 odd minutes, thrills, drama, action, ये सब भी आ जाते हैं। Of course, first half में भी film में action है, that's more of a comic action, that stays good towards the end also, तो जो humor का dose है वो throughout रहता है, but then जो film में एक angle है पूरा का पूरा नीरज मोदी का, विजन ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन नीरव मोदी आई गेस, अगर उस एंगल के साथ पूरी फिल्म को प्रमोट करा जाता फ्रॉम द वेरी डे वन तो ऑडियंसेस को पता चलता दैट दिस इज वन ऑफ दोज क्विंटेसेंशियल मसाला एंटरटेनर्स। होता क्या है कि जब आप पिक्चर का नाम ही रख देते पागलपंती तो एक ऐसी सेंस आ जाती है ऑडियंसेस में कि शायद इसमें सिर्फ स्लैपस्टिक ही होगा, बट देन दिस वन टर्न्स आउट टू बी मच मोर देन दैट। दैट्स द रीजन व्हाई शुरू से लेकर एंड तक आपको फिल्म एक्चुअली एंटरटेन करती है। नाउ अगेन मूड पे डिपेंड करते हैं कि आप किस मूड से वो पिक्चर देखने के लिए आए हैं। अगर आप सोच के ही यही बैठे कि अच्छा मुझे खुश नहीं होना, मुझे एंटरटेन नहीं होना, मुझे ऐसे जोक्स पर नहीं हंसना, तो फिर बात तो ये आ जाती है कि भाई क्यों। लेकिन अगर आप आए हैं और अगर फिल्म में ऐसे इंग्रीडियंट्स हैं जिससे आपको हंसी आ जाती है, जो आपको गुदगुदा देते हैं, ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू बी द वे दे आर, तो फिर एक बात अलग होती है। तो ऑफकोर्स जॉन अब्राहम है। अब अगर आप सीरियस एक्टिंग देखनी है तो ऑफकोर्स यू गो इन टू अ बाटला हाउस और सत्यमेव जयते काइंड ऑफ अ थिंग। यहाँ पर जोन ही वैसा है कि आप जैसा हाउसफुल 2 में देखा था, तो उस तरीके का जो जोन था जो जॉन अब्राहम ने वहां पकड़ा था वैसा ही जोन यहाँ पर भी आ जाता है। अरशद वर्सी ही कैन फिट इन टू एनी फिल्म, हमने टोटल धमाल में देखा ही था कि कितना अच्छा ह्यूमर क्वेश्चन लेके आए थे और यहाँ पर भी बहुत अच्छा किया है। एज फॉर अनिल कपूर ना, उनको हमने इस तरीके के रोल्स में देखा है पहले, वेलकम वेलकम बैक, यहाँ पर भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि एकदम स्टंट दिखाया कि बंदूक की गोली के बाद से डर जाते हैं, बट देन स्टंट बनने की कोशिश उनकी जरूर रहती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। सौरभ शुक्ला काफी अच्छा लंबा चौड़ा उनका फिल्म में रोल है, एंड देन ऑफकोर्स पुलकित सम्राट, इनफैक्ट पुलकित का भी फिल्म में अच्छा खासा रोल है। इनफैक्ट जो लव स्टोरी है वो तो प्राइमरली उन्हीं की है, जो पुलकित की और कृति खरबंदा की लव स्टोरी है, काफी क्यूट सी है, जब आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। बट देन मीनवाइल लियाना डी क्रूज इज ऑल्सो देयर, उनका थोड़ा सा स्कैटर्ड रोल है, बट देन सेकेंड हाफ में उनकी परफॉर्मेंस जो है जिस तरीके का करेक्टर है उसको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। देन उर्वशी रौतेला सेकेंड हाफ में आती है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी इज की टू द फिल्म एज वेल। सो ओवरऑल फ्रॉम अ परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव आप जितने भी एक्टर्स इन फिल्म में लेकर आए थे दे डू वेल। एज अ राइटर डायरेक्टर अनीस बज़मी हैज गिवन व्हाट वाज प्रॉमिस्ड। फ्रॉम द कोर स्टोरी लाइन परस्पेक्टिव फिल्म में कहानी भी है ना, आप कह सकते हैं कि एडमर है पेट्रियोटिज्म का एंगल कहाँ से आ गया, मुझे ऐसे लगा कि ठीक है ठीक ठाक तरीके से वीव किया गया था। बच्चों के लिए एंड में ह्यूमर है ही, बिकॉज कहीं से शेर आ जाते, तो आपने देखा था टोटल धमाल में भी जब पूरी की पूरी फिल्म ही एक्चुअली जू में पहुंच गई थी तो बच्चों को बहुत अच्छे लगे थे, और यहाँ पर भी अगर आप ऑडियंसिस के साथ देखें तो पता चलेगा दैट दे एक्चुअली गेट एंटरटेन विद सच सीक्वेंसेस। सो ओवरऑल फिल्म में मसाले भरे पड़े हैं, सारे के सारे जो एंगल्स आपको चाहिए, एक्शन ड्रामा थ्रिल्स कॉमेडी वो सारी चीज़ें तो है ही, एंड देन नीरव मोदी का पूरा कैरेक्टराइजेशन है जो निभाई गई है काफ़ी अच्छे से स्क्रीन पर, इवन दैट एंश्योर्स की फिल्म में एक अलग एंगल भी आ जाता है। दैट्स समथिंग विच एक्चुअली वर्क्स वेल फॉर द फिल्म। हाँ इतना जरूर कहेंगे कि नथिंग एक्सेप्शनल इज आउट देयर, ऐसा नहीं कि अरे ऐसा कुछ ह्यूमर आ गया कि पहले कहीं देखा ही नहीं है, बट देन एज लॉन्ग एज यू आर ग्लूड टू द स्क्रीन आप देख रहे हैं आपको मजा आ रहा है और आप बोर नहीं हो रहे, आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव द फिल्म डज इट्स जॉब वेल, एंड दैट्स द रीजन व्हाई माय रेटिंग फॉर द फिल्म इज 3 स्टार्स। दिस जोगेंद्र टुटेजा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुटेजा टॉक्स देसी मार्टिनी।